क्या आप सोच रहे हैं कि एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, तो मैं आपको एक आज एक ऐसी हैचबैक सजेस्ट करूंगी जो आपको पूरा एसयूवी का मजा देगी एंड जो दूसरी ईवी कार जो अवेलेबल है उनसे कहीं कुछ ज्यादा आपको मिलने वाला है। हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटर ड्राइव्स। एंड जो भी चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करिए, दूसरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। एंड आपके सामने हम ऐसे ही कार रिव्यूज़ एंड काफ़ी कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ने से पहले। और मैं ये भी बोलूँगी कि वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आपको आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है सिट्रॉयन EC3 के बारे में। सिट्रॉयन EC3 लॉन्च हुई थी जनवरी 2023 में, और मैं ये बता रही हूँ कि जब से सिट्रॉयन इंडिया में अपना डेब्यू किया है, खास करके जो इसका C3 मॉडल 22 में जो लॉन्च हुआ था, तब से ये खासी पॉपुलर हो रखी है, खास करके यंग मास में, एंड जिनका जो बजट काफ़ी 10 लाख तक लिमिटेड रहता है उनमें काफ़ी ये पॉपुलर है। मैं खुद C3 की ओनर हूँ, तो मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, आप उसके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड आज हम पहुंच गए एम्पेरियो शोरूम कटक में, उस शोरूम का पूरा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर्स के बारे में, फिर हम इंटीरियर्स को देखेंगे, एंड लास्ट में हम बात करेंगे वारंटी एंड बैटरी के बारे में, क्योंकि ईवी का मतलब पूरे बैटरी डिपेंड होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फ्रंट प्रोफाइल चेक करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल जब आप देखते हैं तो ये पूरा ही पूरा C3 का लुक मिलने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो आपका C3 का फील मॉडल है पूरा वो दिखने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेंगे LED DRLs, यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इस यूनिट में, यहाँ पे आपको मिलेंगे हैलोजन प्रोजेक्टर लैम्प, हेडलैम्प मिलेंगे, एंड नीचे में आपको मिलेगा फॉग लाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका ये जो अट्रैक्टिव लुक जो बनाता है इस गाड़ी का, वो है इसके सामने क्रोम ग्रिल जो रहेगी, जिसमें आपका ये सिट्रॉयन का लोगो इनबिल्ट आता है। इसमें अलग से आपको लोगो देखने को नहीं मिलेगा, ग्रिल के साथ ही आपका लोगो आएगा। तो E3 में आप देखेंगे जो दूसरी EV से क्या डिफरेंस लगता है, दूसरी EV में आप देखेंगे अगर आप टाटा टिगोर या टियागो की बात करेंगे तो यहाँ पे उन लोगों ने पूरा इसको क्लोज कर दिया, ये यूनिट पूरा क्लोज है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि आपकी यहाँ पे बैटरी कूलिंग के लिए यहाँ पे ये ओपन रखा गया है, जैसा आप C3 पेट्रोल वर्जन में देखते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कूलिंग आपकी बैटरी को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे नीचे देखेंगे स्किड प्लेट, यहाँ पे देखेंगे दो, ये हैचबैक है लेकिन पूरा SUV का लुक देती है, एंड इससे ये काफ़ी बुची इसका लुक आता है, जिससे आपको रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, लोग बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं कौन सी कार है ये। तो अब जल्दी से हम साइड प्रोफाइल चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है चार्जिंग पॉइंट, ये मैं बाद में आपको खोल के दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं 15-inch के व्हील्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है, सिंपल नॉर्मल स्टील व्हील्स है। यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर का साइड में मिल जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ पे आपको ई की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है डुअल टोन में, मोनोटोन में, तो वो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये आपको मिलेंगे मैनुअली एडजस्टेड ORVMs मिलेंगे। फील मॉडल है ये, तो फील मॉडल में आपको यहाँ पे रूफ रेल मिलेगी, दो ये फंक्शनल रूफ रेल नहीं है बट देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। आपकी जो यहाँ पे डोर हैंडल्स वो C3 की तरह ही मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको एंट्री यहाँ से मिलेगी, ये की है, की पॉइंट है। एंड नीचे में आप देखेंगे जो C3 में आपको यहाँ पे एक एलिमेंट मिलता था, ये एलिमेंट आपको सिल्वर एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये भी आप इसका कलर अपने पैक्स में चेंज करा सकते हैं, कस्टमाइजेशन पैक्स बहुत सारे आते हैं इसमें। ये वाला जो आपकी क्लैडिंग है ये टिल द एंड आपकी जाती है, एंड यहाँ पे चारों डोर पे आपको ये क्लैडिंग मिलेगी। तो बात करते हैं हम बैक प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिलेगी, यहाँ पे आपको सिट्रॉयन का लोगो विद सिट्रॉयन की बैजिंग मिलेगी, EC3 की बैजिंग मिलेगी। टेल लैंप्स आपके जैसे EC3 में आते हैं वैसे ही टेल लैंप्स आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, एंड इसमें बैक कैमरा नहीं है।
और चूंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लोग जनरली सोचते हैं कि इसमें बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज रहेगी, तो मैं आपको ये प्लस पॉइंट बताती हूँ कि इस गाड़ी में आपको मिलेगा 315 लीटर ऑफ बूट स्पेस। तो ये जैसा आपको C3 में बूट स्पेस मिलता है, वही सेम बूट स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। एंड इसमें बैटरी होते हुए भी आपके बूट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, तो बहुत ही शानदार इसका बूट स्पेस है। ये आपका जो आप घर पे चार्ज करने वाले हैं, ये चार्जर आपको मिलता है यहाँ पे, सारे टूल किट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड नीचे में आपको मिलता है जो स्पेयर व्हील है, 14 इंच का स्पेयर व्हील है, जो आपका टेम्प्ररी यूज़ के लिए अच्छा है, बट 15 इंच का दे देता कंपनी तो और अच्छा रहता। यहाँ पे साइड में दो आप 3 kg का वेट लगेज हैंग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस मॉडल में, फील मॉडल में आपको ये पार्सल ट्रे मिलेगा। तो बैक प्रोफाइल से भी देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी ही अट्रैक्टिव लगती है, और जैसा मैंने बोला कि बुच्ची लगती है, रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। तो जो ड्राइव करते होंगे C3 या E C3 ड्राइव करते होंगे उनको पता होगा। जल्दी से हम बैक कैबिन चेक करते हैं इसका। बैक कैबिन में देखिए यहाँ पे आपको यही ब्लैक फिनिश एंड थोड़ा सा आपको वाइट एलिमेंट्स में मिलेंगे, जैसा आपको C3 में मिलता है। जब आप ये इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज़ के कंट्रोल नहीं मिलेंगे, पावर विंडोज़ हैं, लेकिन पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको रियर सेंट्रल कंसोल में मिलने वाले हैं। यहाँ पे हैं आपके पीछे के दो पावर विंडोज़ के कंट्रोल। स्पेस अगर देखेंगे तो स्पेस के मामले में सिट्रॉयन ने बहुत अच्छा काम किया है। C3 की बात करें या आप उसके किसी मॉडल की बात करें, EC3 में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस अच्छा है। और इसमें एक बात बता रही हूँ, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है कि बैटरी आपकी यहाँ तक है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, बैटरी आपकी इस पोर्शन तक है, जिस वजह से ये सीट की हाइट आपकी कम हो जा रही है। अगर C3 में आप देखेंगे तो काफ़ी हाइट उसकी आपको फील होगी, बट इसमें आपकी हाइट कहीं ना कहीं कम हो जा रही है। एंड आपका जो है यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है, सीट्स काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड की जाती है। फैब्रिक सीट का आपको बेनिफिट ये है कि जो समर्स में, खास करके साउथ इंडिया हो गया या नॉर्थ इंडिया के समर्स की भी अगर हम बात करें, तो फैब्रिक सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं समर्स में। लेदर सीट्स जल्दी टेम्परेचर में गर्म हो जाते हैं, जबकि फैब्रिक सीट्स वहीं पे उतना गर्म नहीं होते हैं। तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करेंगे आपको कि फैब्रिक सीट्स ही प्रेफर करिए। तो सीटिंग स्पेस काफ़ी अच्छा है, अपराइट पोजीशन में है। आपको यहाँ पे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 3-point सीट बेल्ट मिलेंगे, एंड मिडिल पैसेंजर को आपको यहाँ पे बकल सीट बेल्ट मिलेगा। हेडरेस्ट फिक्स्ड मिलेंगे, ओनली 2 हेडरेस्ट मिलेंगे, मिडिल पर्सन के लिए हेडरेस्ट नहीं है। बट ये जो हेडरेस्ट है 2, ये फिक्स्ड है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। फिर भी इनकी हाइट्स इतनी अच्छी है और इतनी कुशनिंग इतनी अच्छी है कि कभी महसूस नहीं होगा कि आपको एडजस्टेबल की ज़रूरत थी। तो ये फिक्स्ड हेडरेस्ट होते हुए भी आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देंगे। मिडिल पैसेंजर जो बैठेगा यहाँ पे, उसके लिए भी अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस बनती है। तो यहाँ पे आपकी देखिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस बन रही है इस पैसेंजर का भी, अगर मिडिल पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे बच रही है। और यहाँ पे आपको पॉकेट मिलेगा इस पैसेंजर सीट्स के पीछे वाले सीट में, यहाँ पे आपको पॉकेट नहीं मिलेगा। और डोर्स में आपको स्पीकर्स मिलेंगे, आगे मिलेंगे 2 ट्विटर्स। हम रियर सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 पावर विंडो के कंट्रोल, पीछे की पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर या कप होल्डर, जो आप कह लें, जैसे आप यूज़ कर लें। और यहाँ पे जो 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, जो इस सेगमेंट या इस प्राइस पॉइंट की गाड़ियों में नहीं मिलते हैं पीछे की पैसेंजर्स के लिए, तो ये एक आपको एडिशनल पॉइंट मिल रहा है। फ्रंट केबिन की बात करते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट्स आप देखिए कितना वाइड एंड काफ़ी अच्छी बॉल स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। एंड ये सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ऐसा, ये ऊपर की तरफ जाता है, जिस वजह से आपकी थाइस को काफ़ी कंफर्ट मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा सीटिंग प्लेसमेंट दिया गया है। एंड आपको इसमें आगे की 2 सीट्स मिलेगी हाइट एडजस्टमेंट के साथ, मतलब 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिलेगा दोनों आगे की सीट्स में। सीट देखिए आपको 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट सीट मिलेगी, आप इसका हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे रिक्लाइन भी एडजस्ट करते हैं, एंड सामने भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
डोर आप जैसे बाकी जो आपकी सीथ्री आती है वैसे ही आपके डोर है। सामने में दो पावर विंडो के आपके ऑप्शन कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड 1 लीटर के बॉटल का स्टोरेज स्पेस दिया गया है डोर पैड में, एंड थोड़ी सी अदर स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोर्शन को आप आर्मरेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैनुअल ORBM के एडजस्टमेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको चारों 4 डोर्स में आपको स्पीकर मिलने वाले हैं। तो ये आपको डोर लॉक अनलॉक के बटन मिलेंगे, एंड ये आपको मिलेगा फॉग लाइट का एक यहाँ पे कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट, एंड यहाँ से आप बैटरी का आगे का सॉकेट यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप इंजन ओपन कर सकते हैं, बोनेट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टिल स्टीयरिंग मिलता है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग तो नहीं मिलेगा इस प्राइस में, बट ये आपको टिल स्टीयरिंग मिलता है जो आपको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी हाइट के हिसाब से। एंड स्टीयरिंग पे आपको देखिए इस कार में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है क्योंकि ये कार आपको सिटी ड्राइव के लिए है। यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको ये टिल स्टीयरिंग है, 30 शेप में जाता है तो चलाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, एंड इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको लाइट्स के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर्स के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, एंड अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा आपका C3 में आता है वैसे ही आपका एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सब चीज़ें इसमें आपको दिखा देता है। जैसे आप यहाँ पे अभी रेंज दे सकते हैं, इसके बाद आप इसका कितना किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्राइव हो चुकी है वो देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, एंड ट्रिप देख सकते हैं। तो अभी 97.4% चार्ज आपकी बाकी है, इतना आप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी सारे इंडिकेटर्स इसमें अवेलेबल हैं, बैटरी के, सीट बेल्ट के, डोर्स के, तो सारे इसमें जितने भी ज़रूरी हैं ये सारे इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, सेंट्रल कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 10.24 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सिट्रॉयन का खुद का है, एंड ये इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाते हैं। इसके नीचे में देखिएगा तो आपका AC मिल जाएगा। यहाँ पे जो AC है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, ये मैनुअल AC है। यहाँ पे हजार्ड लाइट, यहाँ पे USB पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, ये मोबाइल स्टैंड, एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको जो ग्लोव बॉक्स है ये काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। अब दूसरा डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गियर लीवर नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ आपको मिले हैं टॉगल स्विच, जो यहाँ से आप R अभी न्यूट्रल में है, R करने से R रिवर्स चली जाएगी एंड ये ड्राइव मोड में आ जाएगा। इसमें 2 ही मोड आपको मिलेंगे, इको मोड एंड स्टैंडर्ड ड्राइव मोड मिलेगा जो सिटी ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस, स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्किंग ब्रेक। इस अगर ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैनुअली एडजस्टेड IRBM डे एंड नाइट के लिए, यहाँ पे आपको केबल लाइट मिल जाएगी जो हेलोजन है, यहाँ पे सन वाइजर में आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा, बट यहाँ पे लाइट नहीं है, वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको सन वाइजर मिलेगा बट यहाँ पे आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा। तो ये थी इंटीरियर्स की बात। इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर्स को आप अपने हिसाब से, कलर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी छोटी सी स्पेस है जहाँ पे आप छोटा सा मोबाइल रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, बट उतनी मतलब इसमें स्पेस का यूज़ उतना समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इंजन आपको यहाँ से ओपन होगा बोनेट, एंड यहाँ से आपका होगा वो सॉकेट ओपन। तो ये आपका चार्जिंग सॉकेट है, ये आपका फुल जो है DC सॉकेट है, एंड जो आप घर में चार्ज करेंगे वो सिर्फ ये वाला सॉकेट आप यूज़ करेंगे घर में चार्ज करने के लिए। तो अब मैं जो बता रही थी स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने जो बताया था कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए बाकी जो कार्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसके मुकाबले, तो इसमें जो DC फास्ट चार्जिंग है आपको मिलेगा 57 मिनट्स में आप 80-100% चार्ज कर सकते हैं, एंड जो आपके घर में जो आप चार्जिंग करते हैं 15 एम्पियर वाले स्विच में वो आप 10.5 घंटे में 10 आवर्स 30 मिनट्स में आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी मार्केट में कार्स अवेलेबल हैं वो कहते हैं कि आप बार बार DC चार्जिंग मत करिए, बट सिट्रॉन ने आपकी इंडियन कंडीशंस को समझा है, इंडियन रिक्वायरमेंट्स को समझा है। ये जो इसकी बैटरी है ये -10 से 50 डिग्रीज में भी
अच्छा परफॉर्म कर सकती है इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से। तो आप डीसी फास्ट चार्जिंग आप एन नंबर ऑफ टाइम, जैसे आज की आपने डीसी चार्जिंग, कल किया डीसी चार्जिंग, परसों करिए, नर्सों करिए, उसके अगले दिन करते जाइए, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन बाकी जो ईवी कार्स आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें उनकी कंपनीज रिकमेंड करती है कि एक बार अगर आपने डीसी फास्ट चार्जिंग कर लिया तो बैटरी को सेव करने के लिए, बैटरी की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना हो बैटरी लाइफ, उसलिए आपको स्लो चार्जिंग आपका रिकमेंडेड रहता है। बट ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट EC3 सिट्रॉइन में मिलता है, सिट्रॉइन EC3 में मिलता है। थोड़ा हम इसका इंजन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो इंजन नहीं होता है सिर्फ, तो यहाँ पे मोटर होती है, बैटरी होती है एंड इन्वर्टर होता है एंड बाकी थोड़े बहुत जो इसके कनेक्शन होते हैं, इंसुलेशन होते हैं। तो इसका EC3 का इंजन ऐसा आपको दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की एंड वारंटी की। तो कार तो काफ़ी सुंदर है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, सब कुछ दिया है कंपनी ने, थोड़ा हटके भी इंडियन मार्केट के हिसाब से है। तो इसमें मिलती है आपको 29.2 किलोवाट की बैटरी। एंड तो इसकी बैटरी खास क्यों है, तो इसमें आपको मिलता है रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी बार आप ब्रेक लगाएंगे अप्लाई, जितनी बार आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे उतनी बार आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो ये आपकी एक हटके टेक्नोलॉजी है, इसको रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी बोलती है। बैटरी की वजह से जो मोटर आपको टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंड जो इसका जो पावर है वो 57 BH का पावर प्रोड्यूस करता है, जो एक सिटी ड्राइव के लिए काफ़ी है। ARAI क्लेम रेंज कंपनी की है 320 किलोमीटर। बट जो फीडबैक्स हैं कस्टमर्स के एंड हमको जो शोरूम से पता है जो उनको कस्टमर्स फीडबैक दे रहे हैं वो 250 रियल लाइफ में आ रही है। तो इसका मतलब अगर आपका 250 किलोमीटर बैटरी चल रही है, 7 यूनिट्स की अगर इलेक्ट्रिसिटी है पर यूनिट का प्राइस है, तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 80 पैसा पर किलोमीटर की आ रही है। तो आप एक बार अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं भी आपको अलग से कैलकुलेशन अलग किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी एक फ़ायदेमंद का सौदा रहेगा। तो बात करते हैं हम बैटरी की, क्योंकि ईवी व्हीकल है तो बैटरी की वारंटी की बात ज़रूर होनी चाहिए। तो गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी की वारंटी है 3 ईयर्स फॉर 1,25,000 किलोमीटर्स विच एवर इज लेस। बैटरी की अगर बैटरी वारंटी की बात करें तो बैटरी वारंटी आपको मिलेगी 7 ईयर्स और 1,40,000 किलोमीटर विच एवर इज लेस। एंड मोटर की अगर बात करें, मोटर पर आपको मिलती है 5 ईयर्स की वारंटी फॉर 10 लाख किलोमीटर। तो वारंटी वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इसकी वारंटी प्रोवाइड करती है कंपनी। ये मॉडल आपको 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा, एक लाइव वेरिएंट में, एक फील्ड वेरिएंट में। फील्ड वेरिएंट का मैंने आपको दिखाया, लाइव वेरिएंट जो बिल्कुल C3 के लाइव वेरिएंट की तरह ही रहेगा, उसमें आपका कुछ फीचर्स मिसिंग रहेंगे लेकिन फील्ड वेरिएंट में आपके सारे फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। तो व्हील बेस आपका इस सेगमेंट का कंपेरेटिव टू अदर कार्स, इसका व्हील बेस ज़्यादा है। डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पर है एंड सेफ्टी की बात करें तो इसमें ABS विद EBD, पार्किंग सेंसर, एयरबैग्स इसमें मिलते हैं एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको लगभग बैटरी C3 में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन इसमें बैटरी जो नीचे है, अभी आपको एक व्यू दिखाते हैं, तो बैटरी की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, 170 mm तक आ जाता है, जो फिर भी एक सिटी ड्राइव के लिए परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। जो मैक्सिमम स्पीड आप सिटी में ले जा सकते हैं वो 107 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड पे आप जा सकते हैं। तो जो भी सिटी ड्राइव के लिए आपकी जो रेंज है 250 से 270 किलोमीटर आप ड्राइव करने की सोच रहे हैं, इसकी एक्स शोरूम प्राइजेस भी आपके स्क्रीन पर हैं, तो काफ़ी ही आज की डेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्राइजेस हैं, प्राइजिंग इन्होंने अच्छी रखी है। तो मैं कहूँगी अगर सिटी ड्राइव के हिसाब से आप खोज रहे हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर करिए, इसको मिस मत करिए, इसको टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम मार्केट में जो भीड़ जिस हिसाब से चल रही है हम उस पर चले जाते हैं एंड कहीं ना कहीं हम एक अच्छी कार, अच्छा ब्रांड, अच्छी परफॉर्मेंस मिस कर देते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी कम्फर्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी सीटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड सिट्रॉन तो खैर कंफर्ट के लिए ही जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं एज अ योर फर्स्ट कार या स्विच कर रहे हैं पेट्रोल से ईवी में, तो इसको ज़रूर आप अपनी लिस्ट में कंसिडर करिए, इस गाड़ी को आप मिस मत करिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन बताइए, कोई क्वेरी हो तो मेरे को मेल लिखिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।